दोस्तों, कैसे हो आप सब? दोस्तों, अगर आप भी इन दिनों लॉकडाउन के कारण घर में बैठे बैठे बोर हो रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे घर बैठे कमा सकते हो सिर्फ एक वेबसाइट बनाकर। दोस्तों, अगर आपको वेबसाइट बनाने के बारे में पहले से कोई भी नॉलेज नहीं है तो आप ये वीडियो पूरा देखो। आपको इस वीडियो में मैं आपको डोमेन खरीदने से लेकर पोस्ट डालने तक के बारे में सिखाऊंगा। तो दोस्तों, वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक डोमेन खरीदना होता है। डोमेन एक एड्रेस होता है जिससे यूजर आपके वेबसाइट के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे कि फेसबुक को जो है आपको ओपन करने के लिए आपको facebook.com पर जाना होता है। तो यहाँ facebook.com जो है ये डोमेन है, ये जो है सिर्फ एक नाम है और यही डोमेन होता है। तो ये डोमेन आपको अपने वेबसाइट के लिए ख़रीदना होता है। आप अपने लिए कोई भी नाम का डोमेन खरीद सकते हैं जिस नाम से पहले से किसी का ना हो। इसके बाद आपको होस्टिंग ख़रीदना होता है। होस्टिंग आपको एक प्लेटफॉर्म देता है जहां आप अपना डाटा रखते हैं। जैसे कि अगर आप facebook.com पर जाए तो यहां आपको facebook.com सिर्फ एक पता होता है, एड्रेस होता है, और यहाँ आपको जो भी चीज़ें दिखाई देती है वो सभी चीज़ें होस्टिंग के स्टोरेज में स्टोर होता है। और यहाँ जो भी चीज़ें आप पोस्ट करेंगे फेसबुक पर वो होस्टिंग करके स्टोरेज में ही स्टोर होगा। इसे भी आपको जो है ख़रीदना होता है। तो इसकी प्राइस वैसे तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन मैं आपको इसे सिर्फ 23 रुपीज़ में भी GST के साथ खरीदने के लिए बताऊँगा। इसे खरीदने के लिए सबसे पहले आपको goviralhost.com के वेबसाइट पर जाना होगा। तो होस्टिंग खरीदने के लिए आपको goviralhost.com पर जाना होगा। ये बहुत ही सस्ती होस्टिंग प्रोवाइड करती है, तो आपको इस वेबसाइट पर जाना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप स्टार्टर हैं तो आपको 20 रुपये ही पर मंथ लगेंगे स्टार्टर प्लान अगर आप सिलेक्ट करती हैं तो। तो यहाँ पे आपको एक वेबसाइट के साथ आप इसे कनेक्ट कर पाएंगे, फ्री SSL सर्टिफिकेट मिलेगा, इसमें वन क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन है और जो है 24 घंटे 7 दिन का सपोर्ट भी इसके साथ है। तो हम यहाँ पे गेट स्टार्ट नाउ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप कोई भी प्लान सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे, अगर आप स्टार्टर हैं फर्स्ट पर रजिस्टर करें तो आप यहाँ पे स्टार्टर प्लान ही सिलेक्ट करें ताकि आप इसके बारे में और ज़्यादा जान सके, वेबसाइट बनाने और चलाने के बारे में ज़्यादा सीख सके। आप बाद में इन प्लान पर भी जा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट में मैं यहाँ पे यही फर्स्ट प्लान सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मेरे पास एक ही वेबसाइट है। तो मैं यहाँ पे इसी प्लान को सेलेक्ट करूँगा। इसके साथ आपको ये सब जो मिलते हैं और यहाँ पर आपको बाय नाउ का बटन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। पर क्लिक करने के बाद आपको ये पे जाएगा, यहाँ पे आपको आपके पास जो भी डोमेन है उसे डालना है। तो मैंने अभी तक कोई भी डोमेन नहीं खरीदा है। तो डोमेन खरीदने के लिए आपको godaddy.com पर जाना है और वहाँ से डोमेन खरीदने के बाद आपको यहाँ पे उसे एंटर करना है। तो हम यहाँ पे godaddy.com पर जाते हैं, यहाँ पे आप अपना ID पासवर्ड डालकर रजिस्टर या लॉगिन कर लीजिए। इसके बाद अगर आप यहाँ फर्स्ट बार कोई डोमेन खरीदते हैं तो आपको बहुत ही कम लगेंगे। और अगर मैंने यहाँ पे पहले ही ख़रीदा हुआ था तो मुझे यहाँ पे कोई भी ऑफ़र नहीं दिया जाएगा, मेरा जो प्राइस है वो वही नॉर्मल ही रहेगा जितना होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे फर्स्ट बार डोमेन खरीदेंगे तो आपको बहुत ही कम पेमेंट करना होगा। तो आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं कि आपको कितना पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पे हम कोई भी technicalwhite.com, कोई भी आप यहाँ पे डोमेन जो है सर्च कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे technicalwhite.com सर्च किया तो ये डोमेन अवेलेबल था। तो यहाँ पे मुझे 1016.92 रुपये पेमेंट करने होंगे। तो आप यहाँ पे कोई भी थ्रू से डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, किसी भी माध्यम से आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। इस यहाँ पे पेमेंट करने के बाद आपका जो डोमेन है वो बन जाएगा, उस डोमेन को आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो मैंने यहाँ पे ख़रीदा था, डोमेन जो ख़रीदा था वो था technicalwhite और उसके बाद जो उसका एक्सटेंशन था वो था .com। तो मैं उसे यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, उसके बाद यूज पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे ये वेरीफाई करेगा और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टार्टर प्लान के साथ आपको क्या क्या मिलता है। और यहाँ पे आप चुन सकते हैं कि आपको कितने दिनों के लिए ये डोमेन ये होस्टिंगर लेना है। तो आप यहाँ से अगर 1 ईयर सेलेक्ट करते हैं
तो आपको 283 रुपये 20 पैसे पेमेंट करने होंगे। तो मैं यहाँ पे 1 मंथ पहले सेलेक्ट करूँगा, आप फर्स्ट फर्स्ट में 1 मंथ सेलेक्ट करके जो है इसे यूज करके ट्राई कर सकते हैं। तो 1 मंथ अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको 23 रुपये 60 पैसे पेमेंट करने होंगे विथ GST के साथ। तो यहाँ पे जो है ये मेरा ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे चेकआउट पे क्लिक करूँगा और इसके साथ आप यहाँ पे किसी भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेंगे जैसे कि ईमेल आईडी पासवर्ड, वो सभी आपको एंटर करना है। उसके बाद आपको चेकआउट पे क्लिक करना है और फिर आपको वहाँ पे जो है पेमेंट करना है 23 रुपये 60 पैसे का। इसके बाद आपका जो होस्टिंगर है वो अवेलेबल हो जाएगा आपके डोमेन के लिए। अब आपको अपने इस दोबारा इस वेबसाइट पर आना है, उसके बाद मैं आपको सर्विसेज पे जाकर माय सर्विसेज पे क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो ये प्लान है वो एक्टिवेट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे जो है अपने डोमेन नेम पे डबल क्लिक करना है। इसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको जो है कोई भी ईमेल अगर आप चाहें तो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम 5 ईमेल आईडी आप यहाँ पे बना सकते हैं अपने डोमेन के लिए। तो यहाँ पे मैं अमित लिखता हूँ, तो मेरा जो ईमेल है वो हो गया amit@technicalwhite.com। तो इस तरह से आप यहाँ पे मैक्सिमम 5 ईमेल आईडी स्टार्टर प्लान के साथ क्रिएट कर सकते हैं। अब आपको चले जाना है इसके सी पैनल में। तो हम यहाँ पे लॉग इन टू सी पैनल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमको एक स्क्रिप्ट इंस्टॉल करना है, वर्डप्रेस। वर्डप्रेस स्क्रिप्ट अगर हमें अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल करेंगे तो हमारा वेबसाइट जो है वो एक टेम्पलेट के साथ दिखेगा और हम उस पर कोई भी पोस्ट डाल सकते हैं, अपने वेबसाइट को मैनेज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए सबसे नीचे जाते हैं सी पैनल के और यहाँ पे वर्डप्रेस जो मिलता है स्क्रिप्ट, इस पर हम क्लिक करते हैं। वर्डप्रेस पे क्लिक करने के बाद आपको अगला एक पेज आएगा, तो हम इस पर वर्डप्रेस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम जो है इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करेंगे। अब जो है आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन भरना है जिसे अपने वेब डोमेन के लिए। तो हम यहाँ पे इसे हटा देते हैं, इनडायरेक्टली इसे हटा देते हैं और यहाँ पे अपना वेबसाइट का कोई भी आप टाइटल दे सकते हैं जो आपके वेबसाइट पर शो करेगा। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ टेक्निकल वाइड। डिस्क्रिप्शन में साइट का जो डिस्क्रिप्शन है वो भी आप कोई भी दे सकते हैं, आप अपने वेबसाइट के बारे में, आपका वेबसाइट किस चीज़ से रिलेटेड है जो है वो उसी से रिलेटेड आपको भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख सकते हैं। नीचे आना है और यहाँ पे आपको अपने वर्डप्रेस को एक्सेस करने के लिए जो आईडी, यूजर नेम और पासवर्ड होगा वो आपको एंटर करना है। और तो यहाँ पे जो है आपको एक थीम नीचे सेलेक्ट कर लेना है, कोई भी आप यहाँ से थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पे ये सभी भरने के बाद आपको यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करना है। तो हम पहले कुछ इन्फॉर्मेशन भरते हैं, उसके बाद इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे जो है ये इंस्टॉल होने लगेगा आपके होस्टिंगर पे। तो यहाँ पे आप जो है इस पर क्लिक करके अपने वेबसाइट को चला सकते हैं। लेकिन अभी तक जो है हमारा वेबसाइट के साथ हमारा डोमेन, हमारे डोमेन के साथ हमारा होस्टिंगर कनेक्ट नहीं हुआ है। तो हम अपने डोमेन को अपने होस्टिंगर के साथ कनेक्ट करेंगे ताकि हमारा जो डोमेन है वो होस्टिंगर के उस स्क्रिप्ट को रीड कर सके। तो हम गो डैडी पे आएंगे जहाँ से हमने डोमेन बनाया हुआ था। उसके बाद हम इस पर साइन इन करेंगे, अपना वेबसाइट को लॉग इन करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे जो आपका डोमेन है उस पर आपको DNS का ऑप्शन मिलेगा और मैनेज का ऑप्शन मिलेगा। तो इसमें आपको DNS का ऑप्शन पे क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ पे ये लोडिंग होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे जो नेम सर्वर्स हैं आपके, जो भी आपका यहाँ पे नेम सर्वर है उस पर आपको चेंज पे क्लिक करना है। नेम सर्वर पे आपको यहाँ पे चेंज पे क्लिक करना है और यहाँ आपको चेंज पे क्लिक करने के बाद आपका जो पहले से जो भी नेम सर्वर होगा उस दोनों को हटा देना है। जितना भी नेम सर्वर यहाँ पे होगा उसे हटा देना है। और इसके बाद आपको यहाँ पे फिर से आना है आपके गो वायरल के वेबसाइट पर और यहाँ पे जो आपका नेम सर्वर 2 गो दिया हुआ है इसी को कॉपी पेस्ट करके, जैसे कि हम नेम सर्वर 1 में इसे कॉपी पेस्ट करते हैं और नेम सर्वर 2 में इसे कॉपी करते हैं और फिर इसे जो है गोडैडी के यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे इसे सेव कर देते हैं। तो हमारा जो डोमेन है वो हमारे होस्टिंगर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब जो है हम अपने वेबसाइट को एक्सेस कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे आते हैं, अपने वेबसाइट को ओपन करते हैं। तो हम यहीं से technicalwhite.com पे जाते हैं या आप डायरेक्टली मैनुअली यहाँ पे technicalwhite.com लिख करके अपना जो भी वेबसाइट है
उसे लिख करके यहाँ से ओपन कर लीजिए। तो यहाँ से आप देखेंगे आपका जो वेबसाइट है वो आ चुका है। अब आपको अगर अपने वेबसाइट पर कोई भी नया पोस्ट डालना है या कोई भी एडिट करना है या कोई भी चेंजेस करना है अपने वेबसाइट पर, तो आपको अपने वेबसाइट के नाम को एंटर करना है और उसके बाद आपको वहाँ पे लिखना है wp-admin/dk। तो जो भी आपका वेबसाइट का नाम है, डोमेन का नाम है, वो टाइप करना है, उसके स्लैश देके यहाँ wp-admin लिखना है और ये आपको सर्च करना है। तो यहाँ पे आपको जो है यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा। तो आपको आपने जो वर्डप्रेस इंस्टॉल करते टाइम यूजर नेम और पासवर्ड दिया होगा वही यूजर आईडी पासवर्ड को यहाँ पे एंटर करके रिमेंबर मी पर क्लिक करना है, ताकि आपको बार बार ये यूजर आईडी और पासवर्ड इस ब्राउज़र में ना डालना पड़े। तो ये आपका लॉगिन हो जाएगा एडमिन पैनल, जिससे कि आप अपनी वेबसाइट को मैनेज करेंगे। तो हम दूसरे टैब में अपना वेबसाइट ओपन करते हैं, जो कि मेरा वेबसाइट है technicalwhite.com। ये मेरा वेबसाइट है और इस वेबसाइट जो भी कोई यूज़र मेरा वेबसाइट खोलता है तो वो इस तरह का दिखता है। यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट हैं और ये जो है उसका एडमिन पैनल है, जहाँ से हम इस वेबसाइट को मैनेज करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेबसाइट पे मेरी वेबसाइट पे बहुत सारे पोस्ट हैं। तो अगर आप अपने वेबसाइट पर कोई भी पोस्ट लिखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर पोस्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऐड न्यू पोस्ट पर क्लिक करना है, ऐड न्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे पोस्ट लिखने का ऑप्शन दिख जाएगा और यहाँ पे आप जो है अपना कोई भी पोस्ट लिख सकते हैं। अगले वीडियो में अगर आप मैक्सिमम 30 पोस्ट डालते हैं तो उसके बाद आप इस वेबसाइट से अर्निंग भी कर पाएंगे। तो अगले वीडियो में हम उसके बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही।